हेलो दोस्तों, आज हम आसीएनवी पाइप मतलब 3 इंच पाइप का 90 डिग्री बैंड बना के दिखाएंगे। लाइव मार्किंग करके हम आज दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिना स्किप कीजिए शुरू से लास्ट तक देखिए, वीडियो जरूर आपका समझ में आएगा। तो हम जानते हैं 3 इंच आसीएनवी पाइप का ओडी होता है, पाइप का ओडी है 88.9 और उसका सीएफ होता है 279.2। ये बैंड बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम जो फॉर्मूला में आज बैंड बनाएंगे वो होता है सीएफ इंटू डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू काट। अगर इसमें मेरा 80 NB का पाइप का थियर गिराए तो होता है सीएम, मतलब मेरा आया 279.2 इंटू डिग्री। हम 90 डिग्री का बैंड बनाएंगे इंटू 90 डिवाइडेड बाई 360 मतलब फुल डिग्री इंटू 2 इंटू काट। हम 3 काट में बनाएंगे इंटू 3, इसको हिसाब जोड़ने से आता है 11.6। ये हो गया आपका काटबैक, हो गया काटबैक। हम 8 सेंटर लाइन में बनाएंगे। 3 इंच पाइप के माइटर बनाने के 8 सेंटर लाइन करने का जरूरत नहीं है, फिर भी बड़ा डाया करने के लिए हम बता दे रहे हैं कि आपको बड़ा डाया करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए शॉर्ट कट मार्क निकालना पड़ेगा। शॉर्ट कट मार्क कैसे लें? शॉर्ट कट मार्क निकालने के लिए शॉर्ट कट मार्क निकाले काटबैक इंटू 0.707 शॉर्ट काटबैक और शॉर्ट कट मार्क शॉर्ट कटबैक ऐसे निकलता है। कटबैक से 0.707 करने से आपका शॉर्ट कटबैक निकलता है। ये सिर्फ 8 सेंटर लाइन में आप जब करेंगे तो अब ये शॉर्ट कटबैक तब काम आएगा। तो मेरा कटबैक कितना निकला है वो है 11.6, इसके साथ 0.707 गिनना है तो कितना आएगा 8.22। दूसरा कटबैक ये आएगा। हम ये जो मेरा पाइप है, ये जो पाइप है इसमें हम आज मार्किंग करके आपको दिखाएंगे। पहले एक सेंटर लाइन कर लेना है, उसके बाद इसको 8 हिस्सा में सीएफ को बराबर करके 8 सेंटर लाइन इसमें ड्रॉ करना है। तो 8 सेंटर लाइन के लिए कितना दूरी में लेना है, ये करने के लिए आपको क्या करना है, आप जो सीएफ है 279.2 डिवाइडेड बाई 8 करना है तो कितना आएगा 34.9, मान लीजिए 35, मतलब ये पाइप में 35 दूरी में, ये एक पॉइंट से एक 35 दूरी में, इधर भी एक यहाँ से 35 दूरी में, ऐसे 8 जगह मार्किंग करेंगे तो चारों ओर सेंटर लाइन 8 सेंटर में बराबर हिस्सा में बांट जाएगा। तो चलो इसको सेंटर लाइन हम मार्किंग कर लेते हैं 0.8। ये है एक एक पीस का दूरी, मतलब आप जो ये जो हम बैंड हम बनाएंगे शॉर्टकट में आप समझा देना, एक हिस्सा हो गया, एक एक हिस्सा हो गया, ये एक और अगली बार आइए, ये जो पीस होगा बीच वाला जो पीस होगा ये होगा आप शॉर्ट के लिए 46.4, मीडियम के लिए 69.6 और लॉन्ग के लिए 92.8। और इस पहला जो पार्ट है एक नंबर, ये है एक नंबर पार्ट, ये दो, ये तीन, अगर ये चार पकड़े तो एक और चार इसका आधा होगा। अगर ये 46.4 है ये वाला हिस्सा तो ये होगा तो आपका 23.2, ऐसा हर में होगा। हम टोटल लेंथ कितना लगेगा, टोटल लेंथ के लिए आपका लगेगा, टोटल पाइप जो लगेगा बैंड बनाने के लिए टोटल लेंथ होगा 40, अगर शॉर्ट रेडियस करें 46.4 × 3, अगर टोटल लेंथ लगाए शॉर्ट रेडियस के लिए
लॉन्ग रेडियस के लिए हो ना, मीडियम के लिए होगा 69.6 × 3, ये मीडियम के लिए। और लॉन्ग के लिए होगा 92.8 × 3, ये होगा लॉन्ग के लिए, लॉन्ग रेडियस के लिए। हम बनाएंगे 69.6 हिसाब से, मतलब मीडियम हिसाब से बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा पाइप ये जो है इसमें हम मार्किंग करना अभी शुरू करते हैं। ये जो है पहले लेना है 69.6 आपका आया, इसका आधा लेना है पहले, मतलब 35, उसके बाद 70, मतलब 105, उसके बाद फिर 70 होगा, 105, 70, 175, उसके बाद फिर 35, मतलब 210, ये है, ये लगेगा 210 टोटल पाइप मेरा लगेगा। अभी इसको हर आठ जगह में ये पॉइंट उठा लेना है या राइट एंगल मार्किंग कर लेना है। हम राइट एंगल मार्किंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरा राइट एंगल मार्किंग हो चुका है। अभी इसमें जो कार्डबैक निकला है वो डालना है। तो एक पॉइंट को हम 90 डिग्री मान लेते हैं, लिख भी देते हैं, आपको समझने के लिए आसानी होगा। 90, ये होता है 45 और ये 0, वैसे ये फिर होगा 45, ये फिर 90, ये 45 और ये 0 हो गया। तो 90 डिग्री में कितना बैठेगा, जो कटबैक आया है मेरा कितना, अब देख सकते हैं 11.6, हम 11.6 मार्किंग कर ले रहे हैं। ग्यारह पॉइंट छः, ये जगह इसका दाएं ओर लिए हैं, ये जगह आपका आएगा इसका बाएं ओर। हो गया। और ये जो है तीसरा जो काट है उसका दाएं ओर होगा। हो गया। अभी इसको ये 90 40, अब इसका इधर हो गया ना ये 11.6, इसका ओपोजिट 90 डिग्री में इसका ओपोजिट होगा, इसका दाएं ओर हुआ है, इसका ये जो 90 है इसका बाएं ओर होगा, वही 11.6, इसका इसका बाएं हुआ है, इसका दाएं होगा और इसका दाएं हुआ है, मतलब इसका बाएं होगा। हो गया 90 डिग्री का दोनों साइड का मार्किंग हो गया। अभी बचा 45, 45 में कितना होगा, जो शॉर्ट कार्डबैक निकला है वो होगा 45 डिग्री में, मतलब मेरा कितना निकला है 8.22, 45 डिग्री में मार्किंग करना है। जो 45 डिग्री देख रहे हैं यहाँ 8.22 मार्किंग करना है, 8.22। देख सकते हैं हम पॉइंट ले लिए हैं 90 डिग्री में, कार्डबैक 11.6 जो है वो लिए हैं, 45 डिग्री में शॉर्ट कार्डबैक 8.22 लिए हैं, ये ले लिए हैं। इधर देखिए उसका अपोजिट इधर हो गया। अभी इसको हर पॉइंट को मिला देना है। मिला देने के लिए क्या करना है आपको, ऐसा एक पत्ती का जुगाड़ या बंदोबस्त आपका करना है। अभी कैसे मार्किंग करना है आप देख लीजिए। हर पॉइंट मिला के ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में वही जगह रहेगा, देख सकते हैं जहाँ पहले से है वही जगह रहेगा, इधर भी वही जगह मिला लेना है दोनों साइड।
अब देख सकते हैं मेरा मार्किंग हो चुका है। अभी ये जो दागी है, ये जो राइटिंग कलर है उसको छोड़ के ये दागी मार्किंग दागी किए हैं, इसको ऐसे डिग्री में काट के ये 90 डिग्री के साथ उधर वाला 90 डिग्री लाके इधर जोड़ देने से आपका तीनों जगह ऐसे काट के लगाने से आपका 90 डिग्री बैंड बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है फिर भी आप कमेंट कीजिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे। जाते वक्त एक रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।